छत्तीसगढ़ में बीते दिन हुए ईडी की छापेमारी के बाद सियासी घमासान जारी है। दुर्ग से बीजेपी सांसद विजय बघेल समेत विधायक विद्यारतन भसीन और पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार के लिए पूरा रैकेट बनाया गया है, जिसमें वरिष्ठ नौकरशाह, व्यापारी, राजनेता और बिचौलिए जुड़े हैं। आगे उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ राज्य में परिवहन किए गए कोयले से 25 रूपए प्रति टन की अवैध वसूली की जा रही थी। रोजाना के 2 से 3 करोड़ रुपए जबरन वसूले जा रहे हैं। साथ ही कहा कि ईडी के प्रेस नोट ने छत्तीसगढ़ में हो रहे बड़े भ्रष्टाचार के रैकेट की पोल खोल दी है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकारी योजनाओं को देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में सरकारी संरक्षण में भ्रष्टाचार ने अपनी सारी सी सीमाएं लांघ दी है। कहा कि छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए काला अध्याय है। द्वारा मारे गए छापे में ये स्पष्ट हो गया कि 25 रुपया टन कोयले का अवैध वसूली में ये सरकार, उसके अधिकारी, कुछ भ्रष्ट व्यापारी मिल करके कार्य करते थे और कांग्रेस के लिए ये अवैध धन की उगाही करते थे। हमारा ये स्पष्ट आरोप भी है, सूर्यकांत तिवारी जो इस पूरे धंधे में उसका प्रमुख किरदार निभाया है, वो संवैधानिक व्यवस्था है लोकतंत्र में और वो स्वतंत्र एजेंसी है। अपने अधिकारियों के संरक्षण करते हुए जो भी ऐसे अवैध और अनैतिक संपत्तियां हैं जिसकी जानकारी किसी न किसी माध्यम से उनको मिलती है, उस पर कार्रवाई होती है।